अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल इलायची। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है मटन इलायची 1 किलो, टमाटर 3/3 स्लाइसेस में, ग्रीन चिली 6 से 8 चॉप की हुई, दही 200 ml, लहसुन अदरक पेस्ट 4 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, अदरक 2 इंच का टुकड़ा 3 स्लाइसेस में, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, प्याज 2 ग्राइंड किए हुए, ऑयल 200 ml। व्यूअर्स, ये थे हमारे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। जैसा कि इसका मौका है, इलायची हर घर में मिलती है, लेकिन ये इशू रहता है कि इलायची सख्त होती है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, उसको फॉलो करने से आपकी इलायची सॉफ्ट भी रहेगी और जूसी भी रहेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में हाफ ऑयल हम डाल लेंगे, हाफ हम रख लेंगे मसाला भूनने के लिए। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, कच्चापन दूर होने के तक हमने इसको फ्राई करना है, नहीं तो फिर इसकी सालन की स्मेल आएगी। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। इलायची को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इलायची धोने के लिए आपने इसके पीस नहीं करने, पूरी इलायची को 5 से 6 पानियों में बार बार निकाल लेना है। उसके बाद इसके पीस करने हैं। मैंने इलायची को किसी भी चीज़ से मैरिनेट नहीं किया, किसी नींबू या सिरके का इस्तेमाल इसमें नहीं किया। आपने ही मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी इलायची सॉफ्ट बनेगी, जूसी बनेगी और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और एक दूसरी टिप ये है कि हमने इसमें नमक को ऐड नहीं करना, नमक को हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। हमारी इलायची का सफ़र रवा दवा है। दूसरी तरफ मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, अच्छे से इसको मैं पका लूँगी। दूसरी तरफ हमने इलायची को भी नहीं भूलना, इसको भी साथ साथ हम देखते रहेंगे। मसाले में मैंने काली मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन को ऐड किया है। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स को ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है इसको और 1 गिलास पानी का ऐड करना है। इसको अब हमने थोड़ा सा पकाना है, मिक्स करना है इसको हमने, और फिर इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इसको पकाने के बाद हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है और हमारा बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। बहुत अच्छा था, बहुत स्पाइसी सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसको इलायची में ऐड करेंगे। उस तरफ हमारी इलायची भी तैयार है और हमने इसको मसाले को उसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में हमने नमक ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलायची में हम नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। वो डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सबसे लास्ट पे हम इसे गार्निशिंग के लिए अदरक के कुछ थिन स्लाइसेस ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगा ये। हमारी इलायची तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यम्मी थी, बहुत डिलीशियस थी हमारी इलायची तैयार हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।